प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। इसी तारीख को संताल क्रांतिकारी भाई सिद्धो कानू चांद और भैरव ने साहूकारों, महाजनों और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया था। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने वाले ये आदिवासी तब दामी ने कोह कहे जाने वाले इलाके के भोगनाडी गांव के रहने वाले थे। हुल क्रांति को लेकर हम आपको काफी कुछ बताने जा रहे हैं। इस कड़ी में हम आपको सबसे पहले दामी ने कोह के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि दामी ने कोह का संताल हुल आंदोलन से क्या रिश्ता है। 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी। इसके जरिए इन राज्यों से लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इसके अंतर्गत वर्तमान में संताल परगना में भी टैक्स वसूली का अधिकार अंग्रेजों को मिला। 1780 के दशक में स्थानीय जमींदारों ने पहाड़िया जनजाति के लोगों को खेती के लिए तैयार करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। समय बीतता गया। 1810 के आसपास भागलपुर की तात्कालीन कलेक्टर ऑगस्टस क्विसलैंड ने एक अंग्रेज ऑफिसर फ्रांसिस बुकानन को राजमहल की पहाड़ियों के सर्वेक्षण के लिए भेजा। सर्वेक्षण के दौरान बुकानन संथालों के एक गांव में पहुंच गया। यहां उसने देखा कि संताल आदिवासियों ने जंगल को साफ करके खेती योग्य जमीन तैयार की है, बीच बीच में अपना आवास भी बना लिया है। ये बात फ्रांसिस बुकानन ने जाकर ऑगस्टस क्विसलैंड को बताई। क्विसलैंड ने इसके बाद संतालों को राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में बसाना शुरू किया। इस काम में अंग्रेजों की मदद स्थानीय खेतोरी, भूमिहार और भगत जमींदारों ने किया। पहाड़िया आदिवासियों के मुकाबले संताल जंगल को साफ करके उसे खेतों में तब्दील कर देने में ज़्यादा कुशल थे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो रेजिडेंस की व्यवस्था थी, हैबिटेशन की व्यवस्था थी, लोगों के बसने की व्यवस्था थी, वो तीन क्रम में बटा हुआ था। कुछ लोग वन औषधि और वन से वाकिफ थे तो उन्हें वनवासी कहा गया, क्योंकि जंगल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट रॉ मटेरियल, उसके रिसोर्सेज को समझने की क्षमता जिनमें थी वो वनवासी हुए। और उसी में हमारे संथाल भाई भी हैं, मुंडा भाई भी हैं, वो भी हैं, ओराव भी हैं, भील भी हैं। तो एक ही व्यवस्था थी जो वन के बारे में एक्सपर्ट थे। दूसरी व्यवस्था थी नगरवासी, और जिसमें कि ज़्यादातर लोग व्यापारी थे, महाजन थे, पढ़ने लिखने वाले लोग थे, बैंकर थे, कैशियर थे, कोर्ट कचहरी वाले, ये थे शहरवासी। और तीसरा पहलू था ग्राम के लोग जो कृषि का काम करते थे, ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और वन क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों के जो एक्सपर्टीज के लोग बसते गए उन्हें हम वनवासी, ग्रामवासी और शहरवासी के नाम से जानते हैं। ये व्यवस्था थी हमारी। कुछ ही सालों में राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में बड़े इलाके में जंगल साफ कर दिए गए। यहाँ खेती शुरू हो गई। संताल आदिवासियों की आबादी बढ़ी और उनकी बस्तियाँ स्थापित हो गई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। संताल अंग्रेजों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहे थे। कंपनी की तिजोरी भर रही थी। इलाके में रहने वाले पहाड़िया राजमहल की पहाड़ियों के भीतरी इलाकों में चले गए। 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने राजमहल की पहाड़ियों के तलहटी वाले इलाकों को दामी ने कोह के नाम से सीमांकित कर दिया। कहीं कहीं इस इलाके का उल्लेख जंगल तरी के तौर पर भी मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो परमानेंट सेटलमेंट का जो कानून लाया और उसके बाद जो टैक्सेशन की व्यवस्था की, उसने स्थितियों को बदल दिया। और ये मूल रूप से आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन है। और चूंकि हमारे वनों में रहने वाले, जिसे आज हम संथाल कह सकते हैं, जिनको कि फॉरेस्ट के बारे में समझ थी, जिनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की एक्सपर्टीज थी, ये लोग मूल धारा से हट गए और परमानेंट सेटलमेंट ने जमींदारों को बिठा के ला दिया। आपने इतिहास में स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें लगान की दर तय कर दी जाती थी। इसी दर से दामी ने कोह में भी संतालों से लगान वसूली की जाने लगी, लेकिन जिस समय फसल नहीं भी होती थी, लगान तय दर से ही वसूल किया जाता था। ऐसी स्थिति में आदिवासियों को महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। महाजन और साहूकार गलत तरीके से अंगूठा लगवा कर ऊंची ब्याज वसूलने लगे। एक तो लगान की ऊंची दर की मार, ऊपर से महाजनों और साहूकारों का शोषण,
संताल आदिवासियों का धैर्य जवाब दे गया। इन्हीं में सिद्धू, कानू, चांद और भैरव भी थे जिन्होंने हुल क्रांति छेड़ी। आंदोलन की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, इसमें किस किस ने भाग लिया, फूलो और झानू कौन थी, ये हम आपको अगले अंक में बताएंगे। आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।